जनपद लखीमपुर खीरी में उस समय हड़कंप मच गया जब बीच मार्ग पर सौ रखकर जाम की कोशिश कर रहे लोगों पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि लाठी चार्ज जिले के ही कोतवाली मोहम्मदी से चंद कदम की दूरी पर रामलीला चौराहा का है, जहां पर बीते समय से ही मृतक के बेटे और बहू के आपसी विवाद के चलते कमलेश के संबंधी ने कुछ अपने ही लोगों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दबंग बेहोशी हालत में सड़क पर फेंक कर चले गए। सूचना मिलने पर घायल के परिजनों द्वारा घायल को सीएचसी मोहम्मदी ले जाया गया, जहां गंभीर देखते हुए उसको जिला अस्पताल शाहजहांपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के परिजन शव लेकर मोहम्मदी आए, उनकी रिपोर्ट न लिखे जाने के कारण पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर हंगामा करते हुए रोड पर जाम लगा दी। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए। रमाकांत दीक्षित की रिपोर्ट। कारणवश आज सुबह दिनांक 8/27/26 को डेथ हो गई है, और इनका ये पुराना प्रकरण यहाँ से चल रहा है। इनकी बेटी की शादी जो है मोहम्मदी थाना क्षेत्र में हुई थी, उसको लेके इन लोगों के बीच में रिश्ते जो थे वो अच्छे नहीं थे, जिस संबंध में लड़की वालों ने मोहम्मदी थाना क्षेत्र पर एक मुकदमा दर्ज करा रखा था। पिछले एक माह पूर्व इनका फादर जो आज ख़त्म हुआ है, कमलेश नाम का व्यक्ति, यहाँ कुछ काम से आया था तो लड़की वालों के बीच में और लड़के वालों के बीच में विवाद हो गया था। आज उसकी मृत्यु हो गई है, तो लड़के वालों का ये कहना है कि लड़की वालों से विवाद होने के कारण जो चोटें आई हैं उनके कारण वो आज मर गया है। तो इसी बात को लेके बिना किसी पुलिस को संज्ञान दिए हुए इन लोगों ने हमारे थाना क्षेत्र के सामने शाहजहांपुर से आकर लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी थाना क्षेत्र के सामने जाम लगा दिया था। 45 मिनट तक हम लोगों ने काफ़ी मतलब सारी कोशिशें कर ली इन लोगों से बात करने की और तहरीर देने की, सबकी कह डाला, इन लोगों ने किस तरीके से जाम नहीं हटाया, तब हम लोगों ने मजबूरी में इनसे जाम हटवाया और अब तहरीर इनसे ले रहे हैं, जो भी कार्रवाई चाहेंगे।